मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में चिंतन शिविर का अपना एजेंडा है जो आने वाले समय में राज्य में होने वाले विकास को सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा, हमारे राज्य का एजेंडा है कि 25 सालों के लिए रोड मैप तैयार हो, साथ ही 2025 तक उत्तराखंड हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बने। उन्होंने कहा कि चिंतन शिविर चीजों के सरलीकरण एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में विकास को सुनिश्चित तरीके से किए जाने के लिए रखा गया था, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आला अधिकारियों, विभिन्न जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बीते 3 दिनों में कई बैठकें एवं डिस्कशन सेशन किए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का बताया था, जिसके अनुरूप राज्य सरकार कार्य कर रही है। धामी ने कहा कि राज्य सरकार पलायन जैसी वृहद समस्या के निराकरण के लिए भी निरंतर प्रयासरत है। राज्य सरकार द्वारा बड़े स्तर पर रोजगार देने का काम किया जा रहा है। रिक्त चल रहे विभिन्न सरकारी पदों पर जहां एक ओर भर्ती प्रक्रिया जारी है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, होम स्टे योजना, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना के अंतर्गत युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रेरित किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हर संभव कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि इकोनॉमी और इकोलॉजी के अंतर्गत हम प्रदेश के समुचित विकास के साथ ही यहां के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए भी काम कर रहे हैं। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण पर बोलते हुए सीएम धामी ने कहा कि भगवान शिव अपने भक्तों को ही अवसर देते हैं। केदारनाथ धाम के पुनर्निर्माण का सौभाग्य मोदी जी को मिला, उन्होंने इसे बखूबी कर दिखाया। इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु आए हैं। सीएम धामी ने कहा कि आपदाओं से बचाव एवं उन्हें कम किए जाने पर काम किया जा रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट, SDRF एवं सेना मिलकर दोनों आपदाओं से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि चमोली एवं धारचूला में नियमित रूप से हेलीकॉप्टर की सेवाएं जारी रखी गई हैं, ताकि आपदा के समय इनकी मदद ली जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार मिलकर उत्तराखंड राज्य के विकास को आगे ले जाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चार धाम में सुगम यात्रा के लिए ऑल वेदर रोड का निर्माण किया गया है। आज चार धाम यात्रा श्रद्धालुओं के लिए कितनी आसान हो गई है, ये है डबल इंजन का फायदा। उन्होंने कहा, केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण, बद्रीनाथ मंदिर में मास्टर प्लान के तहत कार्य शुरू हो गया है, पर्वतमाला हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है, साथ ही केदारनाथ व हेमकुंड में रोपवे की सौगात मिली है। धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन अनुशासन, संकल्प एवं संघर्ष से भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पौराणिक इमारतों, लोक संस्कृति एवं सभ्यताओं के संरक्षण पर कार्य कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मानसखंड कॉरिडोर बनाने पर काम कर रही है, जिसके अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त पौराणिक मंदिरों, स्थलों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। अग्निवीर योजना के बाद उत्तराखंड सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद चलाया गया। उत्तराखंड राज्य के प्रत्येक परिवार से कोई न कोई देश की सेवा में होता है। उन्होंने कहा कि अग्निवीर जवान जो 4 साल देश की सेवा के उपरांत वापस आएंगे, उन्हें उत्तराखंड सरकार अन्य सेवाओं में भी प्राथमिकता देने पर काम करेगी। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य में आने वाले समय में जल्द ही समान नागरिक संहिता UCC लागू किया जाएगा, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा, आम जन के फीडबैक के उपरांत फाइनल ड्राफ्ट बनाकर तैयार किया जा रहा है। धामी ने कहा कि सीमा पर रहने वाले लोग हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं, जो सीमांत क्षेत्र को जीवित रखने एवं सेना के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं। इसके अलावा सीएम धामी ने छाबला केस पर कहा कि उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए राज्य सरकार हर संभव कोशिश पुरजोर तरीके से कर रही है।